नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी की तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गढ़वाल की लोकसभा सीट की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसके दौरान ही साथ ही विकास कार्यों को लेकर तेजी से काम करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते नजर आए हैं। अभी तक अल्मोड़ा और पौड़ी में ही लोकसभा सीट की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की थी, जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रतिनिधि को भी बैठक में बुलाया गया था, ताकि सभी को बता दें कि एक साथ बैठाकर जनहित के कार्यों को लेकर बैठक की जाए और उनको बताया जा सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री की इस पहल को लेकर देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है और यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव को बीजेपी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ जीतेगी। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कि प्रत्येक लोकसभा की विधायकों के साथ बैठक किया। निश्चित तौर पर विधायकों की अपनी बात जो क्षेत्र की जो संबंधित समस्याएं उनके सामने आए और पूरे सरकार के जो आला अधिकारी और सारे उस बैठक में थे, तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और जो हर विधानसभा की अपनी अपनी समस्याएं समस्या का समाधान है, जैसे मेरे क्षेत्र में पुल को लेकर थी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने वो पुल जो देवप्रयाग का बाबूबाजार का पुल देखा जो बंद हो गया था उसकी। वहीं डोईवाला में बता दें कि नगर मुखिया चौराहे को नई पहचान मिल गई है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम अग्रवाल ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की मूर्ति का अनावरण किया है। डोईवाला के मुख्य चौराहे पर नई पहचान मिलने के साथ ही आज़ादी के आंदोलन के अमर बता दें कि शहीद मल्ल को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इसके साथ ही मंत्री अग्रवाल ने शहीद दुर्गा मल्ल के मूर्ति के पास ही 100 फीट ऊंची राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और का अनावरण कर क्षेत्र के लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा किया है। साथ ही बता दें कि डोईवाला नगर पालिका प्रशासन द्वारा मुख्य चौराहे पर स्थापित की गई शहीद दुर्गा मल्ल की प्रतिमा और साथ ही 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल, डोईवाला के विधायक ब्रिजभूषण गैरोल के साथ तमाम लोग मौजूद थे। वहाँ से एक जवान निकलता है और उसने अपने शहादत के दम पे पूरे विश्व को एक लोहा मनाने का काम किया। ऐसे शहीद दुर्गामल जी की आज मूर्ति का यहाँ पे अनावरण हमारे यहाँ विभाग के द्वारा हुआ है और मुझे खुशी है इस बात की कि 25 अगस्त 2022 को इसका एक शिलान्यास हुआ था, 100 फीट तिरंगा जो अपने आन शान का प्रतीक है। और तो बहुत बड़ा दिन है, वो इसलिए कहना चाहता हूँ, पिछले 28 सालों से हम डोईवाला के इस बाजार के प्रांगण में शहीद दुर्गा मल्ल अमर रहे भारत माता की जय के नारों के साथ कुछ लोग चलते थे, लेकिन आज शहीद दुर्गा मल्ल किसी अपने उसके मोहताज नहीं है कि उनका परिचय दिया जाए। वहीं थाना दिनेशपुर और बता दें कि थाना गदरपुर के पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर पर जमकर होली खेलकर होली का त्यौहार मनाया। आपको बता दें कि होली के पावन पर्व पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी हुई थी, वहीं होली की तिथि के बाद से दूसरे दिन पुलिसकर्मियों के द्वारा जमकर होली खेली गई है। बहरहाल दोनों थानों में पुलिसकर्मियों के द्वारा जमकर रंगों की होली खेली गई, जहाँ डीजे के द्वारा होली के गीतों पर जमकर पुलिसकर्मी डांस करते नजर आए और होली मनाते हुए नजर आए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर बता दे कि कसली है और इस दौरान यात्रा को लेकर इस बार पुलिस की ओर से ही नए प्लान तैयार किए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा भान बता दे कि भदाड़े ने पत्रकारों से बातचीत की है। साथ ही उन्होंने यात्रा को लेकर पत्रकारों से सुझाव भी मांगे हैं, जिन पर आवश्यक कार्रवाई का उन्होंने भरोसा दिलाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी डॉक्टर विशाखा भदाड़े ने कहा है कि केदारनाथ यात्रा में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बार पुलिस प्रशासन की ओर से यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने के प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा है कि यात्रा के दौरान लोक लेवेज की बड़ी समस्या है और साथ ही बता दें कि बाहरी राज्यों से आए
कतिपय यात्री ऐसे होते हैं जो अपनी भाषा में ही समझ पाते हैं, उन्हें यहाँ तक हिंदी भाषा का भी ज्ञान नहीं होता। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए ऐसे जवानों की तैनाती की जाएगी जो विभिन्न राज्यों की भाषा का ज्ञान रख सके। इसके अलावा उन जवानों का चयन किया जाएगा जिसकी बता दें कि व्यवहारिकता ही उनकी पहचान हो। ऐसे जवानों को केदारनाथ यात्रा में तैनात किया जाएगा जिसमें वे तीर्थ यात्रियों को व्यवहार कुशलता से समझ सके और उनकी हर संभव मदद कर सके। जो हमारे यहाँ पे अदर स्टेट से जो यात्री आते हैं, कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि उनमें लैंग्वेजेस जो है वो बैरियर आ जाता है, तो काफ़ी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती है। इस बार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको उसमें ट्रेनिंग देके कम से कम वो उनकी प्रॉब्लम जो है वो सुन पाए, उनका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और वो जिस लोकेशन से आए हैं वो कम से कम वो उतना कम्युनिकेशन हमसे कर पाए, ताकि उनको हम अपने जो परिवार वाले हैं उनसे मिला सकें या फिर अपने जो प्लेस है जिस जगह से वो आए वहाँ तक पहुँचा पाए। वहीं हरिद्वार में होली महोत्सव के दौरान बता दें कि कनखल थाना क्षेत्र में युवकों ने दो गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में तलवार चलने लगी। इस दौरान कुछ युवकों को चोटें भी आई है। वीडियो वायरल होते ही कनखल पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ बलवा सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। गनीमत ये रही कि इस तलवारबाजी की घटना में किसी की जान नहीं गई है। अब आरोपी अपने अपने घरों से फरार बताए जा रहे हैं। होली के दौरान हुआ बता दें कि विवाद कनखल थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि जगजीतपुर चौकी क्षेत्र में बुधवार को होली के दौरान दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी। वहीं रंगों के पर्व होली की मस्ती उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब डीजे के डांस के दौरान हुए विवाद में युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हत्या के बाद से इंसाफ की मांग करते हुए मृतक के परिजन और आसपास के रहने वाले लोगों ने जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित करके दबिश दी जाने की बात कही जा रही है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर आरटीआई थाना क्षेत्र के खड़कपुर बता दें कि देवपुरी का है, जहां पर कुछ युवक होली के मस्ती में डीजे पर डांस कर रहे थे और इसी दौरान उनका आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। घटना में प्रत्यदर्शी अन्य घायल युवक विशाल के मुताबिक उसके चाचा का लड़का नरेश होली मिलने आया था और इस दौरान उन्होंने नरेश के पास में डीजे पर डांस करने को चला गया था। दोनों पक्षों में वहां पर झगड़ा हो गया और नरेश ने बीच बचाव करने लगा। इसके बाद ही वे सभी लोग नरेश से उल्टा बता दें कि लाठी डंडों से आदि से हमला उन्होंने कर दिया। लड़ाई नहीं हुई थी, इसे भी न्याय मारा है उन्होंने। किन्होंने मारा है? हाँ, इधर के गांव के लड़के और आगे काशीपुर के थे, बिक्की नाम है उस लड़के का और उसका क्या नाम है, उसका दूसरे का, उसका चिच्चे का नाम। किस बात पे झगड़ा हो रहा है? बाल किसान बाल किसान ने मारा है उसे। किस बात पे झगड़ा था? देखिए, दिन की घटना है खड़गपुर देवीपुरा में। डीजे पे एक विवाद हुआ जिसमें एक पक्ष के नरेश को दूसरे पक्ष के 5 अन्य व्यक्तियों ने उसके साथ मार पिटाई की और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में भी किया है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है। शवन कोट आवासीय संघर्ष समिति ने आज शहीद स्थल से बता दें कि माल रोड होते हुए वादा निभाओ रैली निकाली है। रैली में नगर पालिका अध्यक्ष होश में आओ के नारे लगाकर रैली के नगर पालिका कच किया गया है और साथ ही कूच किया गया है और इस दौरान वे रैली में उत्तराखंड क्रांति दल सहित विभिन्न संगठनों के समर्थन दिया है। शिफन कोट आवासहीन संघर्ष समिति के अध्यक्ष का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने वादा किया था कि छत के बदलते ही छत देंगे, लेकिन पालिका अध्यक्ष अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक छत के बदले छत नहीं मिलता है तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मसूरी के जो विधायक हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, इन्हीं के वोटों से एक तरफा जीते और पहले इनसे वादा किया कि भाई चाहे तो तुम्हें विस्थापित करेंगे तो तुम्हें चाहे हमें अपने घर में रखना पड़े लेकिन आपका पूरा पुनर्वास होगा। अभी जो आज हमने आंदोलन किया सिफन कोट वासियों के साथ, हमने उन्हें समर्थन भी दिया और दूसरा नगर पालिका जो सो रखी है उसको हम जगाने के लिए आ रखे हैं और जो उत्तराखंड राज्य सरकार है, वर्तमान में सरकार है,
वहीं ऋषिकेश राजकीय चिकित्सालय की आशा कार्यकर्त्रियों ने इन दिनों मानदेय नहीं मिलने से परेशान हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से जल्द रुका हुआ मानदेय देने की मांग की है। आपको बता दें कि आशा कार्यकर्त्री अपने नवंबर 2022 से रुके हुए मानदेय को लेकर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। राजकीय चिकित्सालय में CMS से मिलने पहुंची थी और इस दौरान मगर CMS के अनुपस्थित होने की वजह से आशा कार्यकर्त्री ने अपनी मांग अस्पताल प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाई। इस दौरान आशा कार्यकर्त्रियों ने बताया है कि नवंबर 2022 से उनको अभी तक का मानदेय नहीं मिला है। कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन की ओर से केवल कोरा आश्वासन ही मिला है। यही नहीं, बता दें कि पल्स पोलियो के 2 प्रोग्राम का मानदेय भी उनको नहीं मिला है। का चौहान है, मैं आशा फैसिलिटेटर ऋषिकेश से। हमारी इस साल वित्तीय वर्ष के को लेकर धन से संबंधित कई तरह की समस्याएं हैं। हम आशा और आशा फैसिलिटेटरों को पिछले 4 माह से मानदेय नहीं दिया गया और हम लोगों को पल्स पोलियो प्रोग्राम का 2 बार का पैसा नहीं मिला। हमारे प्रशासन से और हमारे राज्य सरकार से और अस्पताल स्टाफ से अनुरोध है। हरिद्वार में बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे अस्पताल, लैब और साथ ही क्लिनिक की जांच पड़ताल के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम का गठन कर दिया गया है। टीम में 15 दिन के अंदर जांच पड़ताल का रिपोर्ट देना होगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के संचालित होने वाले अस्पताल, पैथोलॉजी लैब और साथ ही क्लिनिक के बता दें कि यहाँ पर काफ़ी हालत ख़राब है और यहाँ पर शहर के अलावा कस्बों और साथ ही गाँवों में भी इस तरह की क्लिनिक और लैब संचालित हो रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पताल, क्लिनिक और लैब पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। थाना पत्री क्षेत्र के गांव बता दें कि डबराहिमपुर में बता दें कि सिग्नेचर इंटरप्राइज फैक्ट्री में लगभग 6 से 7 अज्ञात बदमाशों ने घुसकर 6 कर्मचारियों को घायल किया है। लेकिन अज्ञात बदमाशों को यह नहीं पता था कि उसकी सारी करतूत फैक्ट्री में लगे CCTV कैमरे में कैद हो जाएगी। घायल कर्मचारियों के तत्काल अपने सुपरवाइजर सुशील कुमार को सूचना दी और हमारे साथ अज्ञात बदमाशों ने फैक्ट्री में घुसकर मारपीट की और हमें जान से मारने का प्रयास भी किया गया। अज्ञात बदमाशों का फैक्ट्री में घुसने का इरादा क्या था, यह तो जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन फैक्ट्री के सुपरवाइजर सुशील कुमार ने फैक्ट्री में पहुंचकर डायल 112 पर 4 बार सूचना दी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल सका। फिर सुशील बता दें कि घायल कर्मचारी को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल में ले गए और यहां पर उनका इलाज कराया। सुशील कुमार ने अपने कर्मचारियों का मेडिकल कराकर पुलिस में शिकायत देने के बाद भी कही है इस घायल कर्मचारियों में 6 को चोटें आई है जिन पर इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कल लगभग 6 बजे के आसपास हमारी सिग्नेचर इंटरप्राइज जो इब्राहिमपुर में स्थित है उसमें कुछ अज्ञात बदमाशों ने गेट खोलकर अंदर घुसकर हमारे वर्करों के साथ मारपीट करी है बहुत ज़बरदस्त। मारने के पर्पज़ से वो लोग थे, डंडे लाठी लेकर आए हुए थे, तलवारें वगैरह थी, पाइप थे, लोहे के चाकू थे, बहुत ही खतरनाक तरीके से अपना वो लड़ने के पर्पज़ से आए हुए थे। किस समय की ये 6 बजे की बात है और ये घटना 6 बजे से 8:15 बजे तक चली है। 1 घंटे के बाद मुझ पर सूचना पहुंची है, मुझे किसी कर्मचारी ने फ़ोन करके बताया कि घटना कंपनी में ऐसे ऐसे हो रही है। मैंने 7 बजकर लगभग 112 नंबर पर फ़ोन किया पुलिस को और 3-4 बार लगातार मैंने फ़ोन किया लेकिन पुलिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने 108 को फ़ोन किया। वहीं गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। गंगोत्री नेशनल पार्क 1 अप्रैल से खुलेगा। आपको बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क पिछले वर्ष 30 नवंबर के से बंद चला हुआ था और जिसके बाद से अब प्रशासन ने इसको लेकर पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं और साथ ही बता दें कि 1 अप्रैल को गंगोत्री नेशनल पार्क खुल जाएगा। यमकेश्वर ब्लॉक के नीलकंठ रोड पर बता दें कि गरुड़ चट्टी में खुले शराब के ठेके के विरोध में एक प्रतिनिधिमंडल DM से आकर मिला और शराब के ठेके को इस स्थान से हटाने की मांग करता नजर आया। इस दौरान लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र कुंभ मेला क्षेत्र है और साथ ही विश्व प्रसिद्ध नीलकंठ शिवधाम मेला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ ही गंगा नदी के निकट यह स्थान रजाजी पार्क क्षेत्र के अंतर्गत भी है जिसमें हाथियों की आवाजाही इस क्षेत्र में बनी रहती है। इस क्षेत्र में लगभग 4 लोगों की अब तक
शराब के ठेके के करीब हाथी द्वारा मारे जाने की घटनाएं सामने आई है, जिसके कारण यह स्थान अत्यंत संवेदनशील है। कहा जा रहा है कि साथ ही जनता के विरोध में के बावजूद भी ठेका संचालित हो रहा है यहाँ पर, जो कि बता दें कि इसके लेकर लगातार हटाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। एसडीएम और आबकारी विभाग के स्तर से भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी और एक प्रतिनिधिमंडल मिला है, उसमें शॉप को के स्थान परिवर्तन को लेकर उनकी जो मांग है इस संबंध में कमेटी फॉर्म की जा रही है, जिसमें डीओ एक्साइज और एसडीएम की रिपोर्ट के बाद फर्दर एक्शन लिया जाएगा। अभी हम लोग ऋषिकेश से आए हैं, यमकेश्वर ब्लॉक से, और अभी हमने डीएम पौड़ी जो मिस्टर डॉक्टर चौहान हैं, आशीष चौहान, उनके साथ बात हुई है। तो पहले जो कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे, तो आबकारी डिपार्टमेंट जो कोर्ट के ऑर्डर पे लगातार गुमराह कर रहा था, उन्होंने अधूरे ऑर्डर की कॉपी सबको दिखाई है, और जो फाइनल ऑर्डर है जिसमें रिट पिटीशन को डिसमिस किया गया। चलिए, अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।